हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैच पे। फ्रेंड्स, मैंने पीपैप की वीडियो अपलोड की थी जो मेरे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आई, और उन्होंने मेरे को कमेंट में पूछा है कि सर, ECN और ECAC में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने ECN और PCN पर वीडियो बना के अपलोड की हुई है। सो प्लीज़, यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल फॉर व्यूइंग द डिफरेंस बिटवीन ECN एंड PCN। सो टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू वट इज द डिफरेंस बिटवीन ECN, ECA, ECN एंड DCN और ECR। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए बनाई है, स्पेशली जिन्होंने मेरे से कमेंट में पूछा है कि सर प्लीज ECN और ECA में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ECN? ECN को दोस्त हम DCN भी बोलते हैं, डिजाइन चेंज नोट, और तीसरा इसका नाम है इंजीनियरिंग चेंज नोटिस। डिजाइन चेंज नोट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रपोजिंग ए चेंज इन द ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिजाइन। द डिजाइन चेंज नॉर्मली आर प्रपोज्ड बाय समवन हु हैज डिफरेंट व्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग डिजाइन। द डिजाइन चेंज नोट आल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज इंजीनियरिंग चेंज नोट दैट इंक्लूड व्हाट नीड्स टू चेंज, व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंजेस, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर टू बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन डिजाइन, व्हाट आर द कॉस्ट एंड टाइम इम्प्लीकेशंस ऑफ द चेंजेस, अप्रूवल प्रोसेस फॉर द रिव्यू एंड ऑथोराइजेशन ऑफ चेंजेस। Once the changes have been approved, the changes may also have to be communicated to the other stakeholders who are affected by the changes. It may also imply that the already approved engineering drawings may need to be reviewed and re-approved. So friends, engineering change note, ये जो step है, ये engineering change approval के बाद का step है। जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रपोजिंग ए चेंज इन द ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिज़ाइन। जो डिज़ाइन टीम होती है, इंजीनियरिंग जो टीम होती है, जो भी प्रपोजल आते हैं सप्लायर की तरफ से या जो है सब फंक्शनल डिपार्टमेंट की तरफ से, वो उनको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उनसे सबसे जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे अप्रूवल लेने के बाद फिर परमानेंटली इम्प्लीमेंट करती है जो भी चेंजेस उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ ECN। तो ECN के से पहले ECA किस तरीके से हम जो है अप्रूवल कराते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ECN जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि एनी काइंड ऑफ चेंजेस और मॉडिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोसेस। सो इस ECN का जो कंसेप्ट होता है, हम किस किस बेस पर लेके चलते हैं, किस चीज किस प्रकार का चेंजेस आर चेंज है प्रोडक्ट के अंदर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेंजेस, यानी जो चेंजेस हम करने वाले हैं उसका रीजंस क्या है, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी अफेक्टेड, मींस इससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से अदर SOPs वगैरह और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आर अफेक्टेड बाय दीज डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द कॉस्ट एंड टाइम इम्प्लीकेशंस, उससे कॉस्ट क्या इंक्रीज होगा या कॉस्ट सेविंग होगा, टाइम बढ़ेगा या घटेगा, ये सर दीज आर फैक्टर्स दैट कीप इन माइंड ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECN। अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिव्यू एंड ऑथोराइजेशन ऑफ चेंजेस। अप्रूवल प्रोसेस मीन्स, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ECN इम्प्लीमेंट करने से पहले, यानी परमानेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, जिससे कि उनको बाद में ये दिक्कत ना आए और उनको ये कंप्लेंट ना रहे कि हमको तो पता ही नहीं था और ये चेंजेस इसके अंदर कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ECN से पहले ECA का अप्रूवल कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग चेंज अप्रूवल को इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एन इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट ECR डिस्क्राइब एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और सजेस्टेड एनहांसमेंट विद ए प्रोडक्ट। द ECR इज यूज टू रिकॉर्ड द डिस्कशन सराउंडिंग द इशू, डिटरमाइन द अफेक्टेड पार्ट्स एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड चेंजेस। वंस क्लोज्ड द ECR,
persist as a permanent record. So friends, जो भी changes जो होने वाले होते हैं किसी product में, किसी problem से related, उस पर जो CFT का जो discussion होता है, क्या improve होना चाहिए, क्या modification होना चाहिए इस problem को resolve करने के लिए या permanently close करने के लिए. So उसमें जो भी CFT के बीच में decide होता है कि what kind of improvement is required to close this problem, उसमें उसको जो पॉइंट होते हैं चेंजेस के, उसको ECR के डॉक्यूमेंट में हम नोट कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट. इस इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट मीन्स जो ECN को इंप्लीमेंट करने से पहले जो चेंजेस हैं उनसे हमको अप्रूवल कराना है. किस किस से अप्रूवल कराना है, इसमें किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज गिवन हेयर. अप्रूवर्स मीन्स जो अप्रूवल करेंगे, ईच ऑफ द अप्रूवल अथॉरिटीज शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द ECR ऑफ द कंप्लीटनेस फॉर्म फिट फंक्शन इम्पैक्ट ऑन टोलिंग शेड्यूल्स मटीरियल एंड कॉस्ट टेक्निकल एडिक्वेसी इंटरफेस इम्पैक्ट चेंजेस अफेक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन क्लास वन क्राइटेरिया. मीन्स जो अप्रूवल करने के लिए जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस की है या परचेज वालों की है, ओके, जो कि प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं, उनमें वो ये देखते हैं कि जो चेंजेस होने वाले हैं उनको पहले से उनको असेसमेंट करना पड़ता है कि ये जो चेंजेस है फिट फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसके मटेरियल वगैरह पे, कॉस्ट वगैरह पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, जो इनसे रिलेटेड हैं, कॉस्ट से रिलेटेड, जो कॉस्ट वाला देखेगा प्रोक्योरमेंट वाला, फिट फंक्शन से रिलेटेड क्वालिटी वाला देखेगा, इस जो टूलिंग वगैरह ये इसमें चेंजेस कैसे करना है, ये चेंजेस करना इजी है कि नहीं है, इसे टूलिंग वाला देखेगा. तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के कंसर्न हेड्स की कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट रेज्ड फ्रॉम दिस चेंजेस. ओके, तो इसमें देखते हैं प्रोक्योरमेंट वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रोक्योरमेंट रिप्रेजेंटेटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग ऑल ECR टू द सप्लायर एंड शैल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल सप्लायर्स जनरेटेड कमेंट्स एंड ECP. वो जो प्रोक्योरमेंट वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो ECR है, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट है, वो इज कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर. इफ सप्लायर की तरफ से कोई इंजीनियरिंग चेंज प्रपोजल है, ECP मीन्स इंजीनियरिंग चेंज प्रपोजल है, देन ही कम्युनिकेटेड टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर कंसिडरिंग दिस ECP इफ पॉसिबल. देन क्वालिटी एश्योरेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग दैट द प्रपोज्ड चेंजेस when implemented can be properly inspected if required and that all contractual conditions are met. In addition, quality assurance shall be responsible for auditing and verifying the activities of this procedure. वो इंश्योर करेगा और ऑडिट ड्यूरिंग ऑडिट एंड वेरीफाई करेगा कि जो है ये चेंजेस हैं ये हमारी किसी चीज जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. और ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ क्या चेंजेस करना है, क्या एड ऑन करना है, ही कैन पुट अप हिज कमेंट ड्यूरिंग असेसमेंट. सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ECA. दिस इज द इंजीनियरिंग चेंज नोट फॉर्मेट. It include part name, part number, ECN number, model, customer, change to be done, इसमें क्या क्या changes होने वाला है, reason for changes and stock quantity. Stock quantity means जो इससे पहले की जो quantity है, raw material है, WIP है, finished good है, tooling है, वो कितनी कितनी quantity है, उन पर क्या action लेना है और target date क्या है उनकी. क्योंकि जो पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है उसको सप्लायर अपने अकाउंट में नहीं टॉलरेट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई ही आस्किंग द कस्टमर कि व्हाट कैन वी डू द एग्जिस्टिंग मटेरियल. उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनेगी और उसमें क्या 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 चेंजेस होने हैं, उसमें डॉक्यूमेंट का नेम, ओल्ड रिविजन नंबर, न्यू रिविजन नंबर, इसकी एक लिस्ट बन जाएगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन वीडियो सो आई कैन अपलोड मोर टेक्निकल वीडियो.